जहां पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। जी हाँ, हर बार की तरह नक्सली एक बार फिर से खौफ फैलाने की जुगत में है। अडानी के खिलाफ नक्सलियों ने खुला मोर्चा, अडानी की लोहा अस्क खदान का कर रहे हैं ये विरोध। लोहा अस्क खदान के लिए बनी है यहाँ पर 4 पुलिस पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नक्सली है उन्होंने इसका विरोध किया है। अडानी के खिलाफ भी विरोध है, जो अस्क खदान चल रही है, लेकिन उसके लिए 4 पोस्ट भी पुलिस ने बनाई है, जिससे जो नक्सली है वो नाराज चल रहे हैं। अगली जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, यहाँ अडानी ग्रुप की जो खदानें हैं उस पर ये नक्सली नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पर्चे फेंके हैं। क्या ये खदानों की वजह से नाराज है, या फिर जो उसके बाद जो पोस्ट बनाई गई है पुलिस की 4, उस वजह से इनकी नाराजगी सामने आ रही है? दीपक, मैं आपको बता दूं कि आज किरंदुल में एक बहुत बड़ा आंदोलन है आदिवासियों का। हालांकि आंदोलन तो आदिवासी महासभा मंच की ओर से किया गया है। लगभग 20 से 25 हजार की भीड़ किरंदुल में इस समय जमा है, और इसी को लेकर के नक्सलियों ने भी पर्चे फेंका है। मतलब ये जो आंदोलन हालांकि पंचायत के लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बताया जा रहा है कि बैक सपोर्ट नक्सलियों का भी है, इसलिए भीड़ अंदरूनी इलाकों से निकल करके NMDC कि डिपॉजिट नंबर 13 की खदान का ये विरोध है। डिपॉजिट नंबर 13 की जो खदान है वो NMDC ने निजी हाथों में अडानी को दे दी है। SCL कंपनी इस पर खुदाई का काम शुरू कर रही है, और ये खदान के शुरू होते ही लगभग 1 से 1.5 लाख पेड़ कटेंगे, और ये जो पेड़ कटने के बाद में जो जहां पर ये खदान बन रही है उसे नंदीराज पर्वत कहा जाता है। और आदिवासियों का ऐसा मानना है जो भीड़ पर आ रहे हैं कि ये जो नंदीराज पर्वत है ये हमारे आस्था का प्रतीक है, और अगर इस पर छेड़खानी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के बढ़े हैं आगे में, अभी देखना है कि। और हमारी बात दंतेवाड़ा SP से भी हुई थी, उनका कहना है कि इस आंदोलन के लिए कोई विधिवत परमिशन नहीं ली गई है, और इसके बाद भी अगर इंटर होते हैं और अंदर अगर कोई उपद्रव होता है तो पुलिस इन सारी व्यवस्थाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, जिस तरह से पंकज अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ सरकार है वो भी पेड़ की रक्षा के लिए तत्परता दिखाती है और साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काफी सजग है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर 1.5 लाख जो कि आपने बताया कि तकरीबन पेड़ काटे जाएंगे, तो जाहिर है कि इसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने MOI में दस्तखत करके जिस तरीके से दिया है अडानी को खदान, उसके बाद में जो आने वाली कांग्रेस की सरकार है इस पर कोई अपना रुख नहीं दिखा रही है। यही नाराजगी है ग्रामीणों की कि जिस तरीके से बस्तर एक वनाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर हरे भरे पेड़ है, अगर इतने पेड़ एक साथ कटते हैं तो निश्चित बात है कि भौगोलिक परिस्थिति बदलेगी और यहाँ का भी जो वातावरण है एक शहरी इलाके के जैसा हो जाएगा। इसलिए आदिवासी इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे हैं और इसका प्रखर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, जिसके बाद ये पर्चे फेंके गए और आंदोलन की चेतावनी दी गई है, क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 400 सिर्फ DRG के जो छटे हुए जवान हैं वो लगाए गए हैं, SCF लगाई गई है, पूरी CISF है, जिले के आला अफसरान है, तहसीलदार, कलेक्टर, SDM सभी इस समय किरंदुल में मौजूद है, और जो किरंदुल माइनिंग में आज जो होने वाला जो काम है वो भी प्रभावित है इस आंदोलन के चलते हुए। आज वहाँ पर काम नहीं चल रहा है बेलाडी लोहे की खदानों। चलिए, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा पंकज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।